कोविड-19 यूरोलॉजी विभाग के बाहर मरीजों के परिजनों ने किया हंगामा। अजमेर संभाग के JLN अस्पताल के कोविड-19 यूरोलॉजी विभाग के बाहर मरीजों के परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया और विभाग में काम कर रहे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। मरीजों के परिजनों ने मीडिया से बातचीत करते हुए विभाग में काम कर रहे डॉक्टर, नर्सिंग कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि सैंपल नहीं लेने के बाद भी रिपोर्ट में मरीजों को पॉजिटिव बताया जा रहा है और जब रिपोर्ट मांगी जाती है तो रिपोर्ट देने से मना कर दिया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग में भर्ती होने के बाद भी 3 से 4 दिनों तक कोरोना जांच नहीं की जा रही है, जिसके कारण सब परेशान हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस लापरवाही को लेकर मैं मुकदमा भी दर्ज कराएंगे और इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से करेंगे। किस तरीके की लापरवाही है और कौन सा हॉस्पिटल आ रहा है? सर, मेरी बुआ जी की तबीयत आज से 10 दिन पहले खराब हुई थी। शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे एडमिट रही, कोविड की जांच हुई, नेगेटिव आई। उसके बाद हम इनको घर ले गए 11-12 तारीख को। घर जाके इनकी 14 तारीख को रात को तबीयत वापस खराब हुई। हम इनको रेफर करके ले गए रेलवे हॉस्पिटल से यहाँ इनको रेफर किया गया। इन्होंने कहा कोविड में एडमिट करा, हमने कोविड में एडमिट कराया, जबकि हमने इनको 3 दिन पहले की नेगेटिव रिपोर्ट दिखा दी थी, लेकिन इन्होंने कोविड में एडमिट किया। कोई बात नहीं, हम भी संतुष्ट थे। आप बैठे थे कोई उस रात को मैं रुका था, 14 रात को मैं पूरी रात में यहीं था। मैं सुबह 8 बजे 8:30 बजे यहाँ से गया था। 15 तारीख को हमारा पूरा नर्सिंग स्टाफ यहाँ पे था, 16 तारीख को हमारा स्टाफ और हम लोग यहाँ थे, भाई वगैरह हम सब यहीं थे। एक आदमी अंदर बैठने देते, बाकी बैठने नहीं देते। दिन में 3 बार सिस्टर ने इस बात को ब्लेम किया कि आपका कोई बैठता नहीं। मैडम, आप 2 जनों को बैठने दो तो हम 2 बैठने, 4 को बैठने दो 4 बैठने दो, आप 1 को बैठने दे रहे, 1 बैठा हुआ। कोई बात नहीं, हम मैडम के वर्ड थे, आप इस स्टूल से हिलोगे नहीं। हम कल पूरा दिन उस स्टूल पर बैठे रहे, हिले तक नहीं वहाँ से, ठीक है। आज सुबह 10:30 बजे हम इनके पास वापस आए। भैया ने पूछा, भैया क्या रिपोर्ट है? तो बोले, भैया आपका कोई सैंपल हुआ नहीं है। भैया ने कहा कोई बात नहीं। 11:30 बजे भैया के पास फोन आता है। नहीं, मैं जैन साहब के पास गया, इंचार्ज के पास। वहाँ पे जाके पता चलता है कि साहब इनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई है। कोई बात नहीं, हमने माताजी से पूछा तो माताजी का कहना था कोई सैंपलिंग नहीं हुई है। जो हमारी नर्सिंग स्टाफ यहाँ ऑलरेडी रखी हुई है उससे बात करी, उसका भी कहना है कि कोई सैंपलिंग नहीं हुई है। दूसरे जो पेशेंट यहाँ पे है उन सबका भी यही कहना है कि हमारी 2-3 दिन से कोई सैंपलिंग नहीं हुई है। अब यहाँ पे जब हम इन पर चढ़े तो इनका ये कहना है कि साहब आपकी जो सैंपलिंग है वो तो 15 तारीख को हो चुकी। मैंने कहा सर 15 तारीख को तो मैंने खुद ने स्टे लिया, तो कैसे होगी सैंपलिंग? मतलब इनके खुद के 3 स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट है आज सुबह 9:30 बजे सैंपलिंग, 4 बजे। दूसरा स्टेटमेंट है इनका 15 तारीख का कि भाई 15 तारीख को सैंपलिंग हुई है। अगर 15 को सैंपलिंग हुई थी तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 16 को रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई, 17 को क्यों नहीं बताएगी? आज सुबह इस चीज़ को खुलासा क्यों किया गया? अब मैं इनसे मांग रहा हूँ कि मेरी पॉजिटिव की रिपोर्ट दे दो, तो ये मुझे पॉजिटिव की रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है। मेरे पेशेंट को उठा के ना जाने कहा शिफ्ट कर दिया, मुझे पता नहीं है। क्या मानते हैं किस तरीके की लापरवाही? लापरवाही सर, जब सैंपलिंग हुई नहीं तो पॉजिटिव रिपोर्ट कैसे दे सकते हो? बाकी भी मरीज परेशान, भाई साहब ये मेरे पीछे खड़े हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। कोई सुनवाई नहीं और 3 दिन के अंदर इन्होंने केवल एक ग्लूकोज जो है वो चढ़ाया था, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। क्या करेंगे? मैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। मुझे अगर पॉजिटिव की रिपोर्ट ये दे देते हैं तो मैं पेशेंट को ले जाके आगे टेस्ट कराऊंगा और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। विजय निचानी, अजमेर व्यापार संघ सचिव। लापरवाही सीधी सीधी है कि हमारे नाना जी को 3 दिन पहले यहाँ एडमिट कराए और लेकिन आज 3 दिन बाद भी उनकी अभी तक टेस्टिंग ही नहीं हुई है और उनको रख रखा है कोविड के वार्ड के अंदर, जहाँ पर पहले ही इस चीज़ के कोविड के संक्रमण के पेशेंट्स हैं। तो अगर उनको नहीं है तो भी होगा और अभी तक टेस्टिंग नहीं आई है। टेस्टिंग मांगते कोई भी डॉक्टर सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है। कोई भी किसी भी तरह का कोई भी हमारे को स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं कि टेस्टिंग कब होगा कब नहीं होगा। हम 3 दिन से यहाँ इधर से उधर भटक रहे हैं, इस वार्ड से उस वार्ड में, यहाँ से लेकर मेडिकल में, लेकिन जांच कोई भी नहीं कर रहा, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। कौन सा हॉस्पिटल? ये न्यूरोलॉजी अपनी कोविड वार्ड है, यूरोलॉजी JLN हॉस्पिटल। शिकायत करेंगे इसकी? शिकायत बिल्कुल करेंगे, सब मिलकर शिकायत कर रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं, FIR कराएंगे। अतुल सोनकर।